हेलो गाइस, वेलकम टू केस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज का वो आंसर वीडियो शुरू करते हैं। बहुत अंधेरी रात में ताहियुन अपने घर के गलियों में घूम रहा होता है और घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है, बहुत परेशान हो चुका हूँ इस सब से, मेरी सौतेली माँ मेरे को जीने नहीं देती। मेरी माँ तो तभी गुजर गई थी जब मैं 16 साल का था। मेरे पापा ने दूसरी शादी की और मेरी सौतेली माँ को ले आए, ये सोच कर कि वो मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन वो मुझे हर रोज़ मारती है और मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती है, और यही नहीं बल्कि मुझे घर का काम भी करवाती है। मैं खुद के ही घर में नौकरों जैसा ज़िंदगी बिता रहा हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अच्छा तो मैं अपनी माँ के साथ ही मर गया होता, पता नहीं क्यों मैं जी रहा हूँ। यही सोच सोच कर जब ताहिन अपने घर के अंदर घुसता ही है तो उसके गाल पर एक जोरों का तमाचा गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर कर वो साइड में देखता है क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ लीसा यानी कि उसकी स्टेप मॉम लीसा उससे बहुत ज़्यादा नाराज है और गुस्से में भी लग रही थी। लीसा पूछती है, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें पता नहीं चलता कि टाइम क्या हो रहा है? ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? तो ताहिन कहता है, मैं जिमिन के साथ था मॉम। तो लीसा कहती है, मुझे मॉम बुलाने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हारी मैम हूँ, मॉम नहीं, और तुम मुझे मॉम नहीं मैम ही बुलाओगे। तो ताहिन कहने लगता है, सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। और इतना कहकर जब ताहिन अपने रूम में चला जाता है तभी कुछ कुछ मास्क पहने हुए और काला कपड़ा पहने हुए आदमी उनके घर में घुस आते हैं और लीसा को डराने लगते हैं कि हमारा पैसा निकालो। तो लीसा कहती है, कौन हो तुम लोग, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। उनमें से एक आदमी कहता है, मेरा नाम तुम कैसे भूल सकती हो लीसा, मैं हूँ सुगा और मैं जेके के माफिया ग्रुप से हूँ। तुमने 2 साल पहले हमसे जो उधार लिया था वो कब चुकाने वाली हो? तो लीसा डर जाती है और कहने लगती है, मैंने तो तुम्हें गलत एड्रेस बताया था लेकिन तुम मुझ तक कैसे पहुँच गए? तो फिर वहाँ जेहोप आ जाता है और कहने लगता है, ये सब मेरा कमाल है, मैं इतना बड़ा हैकर हूँ कि मैं कुछ भी हैक कर सकता हूँ और मैंने ही तुम्हारा पता लगा लिया है, अब निकालो हमारे पैसे। लीसा डर जाती है और कहने लगते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे कुछ और दिन दो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगी। अभी सुगा कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें यहाँ वक्त देने के लिए आए हुए हैं? हमारे पैसे निकालो वरना यहाँ तुम्हारे जान लेकर ही दम लेंगे। तो लीसा कहने लगती है, एक बात सुनो मेरी, मैं कुछ और दे सकती हूँ तुम्हें। तो सुगा कहने लगता है, और से तुम्हारा क्या मतलब है? लीसा कहती है, मेरा सौतेला बेटा जो अभी तक वर्जिन है, मैं तुम्हें उसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम अपने बॉस को पूछो कि अगर उसके बदले वो मुझे छोड़ देंगे और मुझे पैसे भी नहीं देना पड़ेगा तब मैं उसे तुम्हें सौंप दूँगी। फिर सुगा अपने बॉस से यानी कि जेके से बात करता है और कहता है, लीसा के पास पैसे तो नहीं है लेकिन वो हमें कुछ और देना चाहती है। तो जेके पूछता है, और से तुम्हारा क्या मतलब है? तो सुगा कहने लगता है, उसके सौतेले बेटा जो अभी तक वर्जिन है, लीसा चाहती है कि हम उसे ले लें और उसका पैसा माफ़ कर दें। तो जेके कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डिक्शनरी में माफ़ी होगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम उस लड़के को तो लेकर आओगे ही लेकिन उसके बाद ही तुम लीसा को भी मार देना। तो सुगा कहता है, राइट बॉस, जैसा आपने कहा वैसा ही हो जाएगा। फिर सुगा कहने लगता है, हम बहुत लेट हो रहे हैं, तुम्हारे सौतेले बेटे को जल्दी बुलाओ। लीसा ताहिन को आवाज़ देती है और बुलाने लगती है, ताहिन जल्दी से नीचे आ जाओ। तो ताहिन नीचे आता है और पूछने लगता है, मैम आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो लीसा कहने लगती है, क्योंकि तुम अब इनके साथ जा रहे हो और आज से तुम मुझे मैम नहीं इनके बॉस को सर बुलाओगे। तो ताहिन को कुछ समझ नहीं आता और ताहिन कहने लगता है, क्या मैं कुछ समझा नहीं? तो सुगा कहने लगता है, कुछ नहीं, तुम मेरे साथ जा रहे हो क्योंकि तुम्हें लीसा ने हमें बेच दिया है। फिर वो लोग ताहिन को लेकर अपने साथ चले जाते हैं और लीसा को वहीं पर मार देते हैं। और फिर मेंसन पहुंचने के बाद ताहिन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो लोग उसके हाथ बांध देते हैं और आँख में भी पट्टी बांध देते हैं। जब वो मेंसन पहुंचता है तभी उसके आँखों से वो पट्टी निकालते हैं। ताहिन सोचकर घबरा जाता है और सडनली उसके मुंह से निकल जाता है कि ओ माई गॉड, इतना बड़ा घर, ये घर है या मेंसन है? तो सुगा कहता है, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, गाड़ी से उतरो। फिर सुगा और उसके आदमी ताहिन को लेकर जेके के ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ जेके एक आदमी के साथ डील कर रहा होता है। वहाँ पर सुगा जेके को कहने लगता है, यही है वो लड़का जिसे हमने किम मेंसन से लेकर आए हैं और जिसे लीसा ने बेच दिया था। तो जेके कहता है, उस लड़के को मेरे पास भेजो। जेके हाथ से इशारा करता है और ताहिन को अपने पास बुलाता है। ताहिन बहुत डर कर जेके के पास जाता है। तो जेके कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ताहिन कहता है, मेरा नाम किम ताहिन है।
फिर जैके पूछता है तुम कितने साल के हो, तो ताहिन कहने लगता है मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। तो जैके कहता है ठीक है, अब एक काम करो, ये गन पकड़ो और इस आदमी को शूट कर दो। तो ताहिन इतना डर गया होता है कि वो गन पकड़ता ही नहीं है, लेकिन जैके उसे ज़बरदस्ती गन पकड़ा देता है और कहता है मैंने कहा ना शूट करो, क्योंकि लीसा अभी तुम्हें मुझे बेच चुकी है, तो अब तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इस आदमी को अभी इसी वक्त शूट करो। तो ताहिन उसकी ओर देखता है और घबराते हुए कहता है लेकिन मैं इसे कैसे शूट कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता इसे शूट। तो जैके कहता है इसे शूट करोगे या तुम खुद मरोगे, शूट करो, मैंने कहा ना शूट करो। तो ताहिन इतना डर जाता है कि वो शूट कर देता है। शूट करने के बाद ताहिन बहुत ज़्यादा डर कर काँप रहा था, इतना डर कर काँप रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक आदमी को अभी अभी मार दिया है। लेकिन वहाँ जेके ये कह रहा था कि गुड बॉय ताहिन, ऐसा ही काम करते रहना, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो तुम बहुत जल्दी मेरा दिल जीत लोगे। तो ताहिन को कुछ ना कहता देख और डरता हुआ देख वो होबी को कहता है जे होप ह्यूंग, क्या आप इसे कमरे में ले जा सकते हो। तो जे होप ताहिन को अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है अम्मा अप्पा आपने मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए और लीसा ने भी मुझे बेच दिया, देखो अब मैं कहाँ हूँ, लीसा ने मुझे एक माफिया किंग को बेच दिया और अब मैं एक आदमी को मार भी चुका हूँ। ये कहकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते ही सो गया। दूसरे दिन जब ताहिन उठता है तो उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके वजह से वो उठ जाता है और पूछने लगता है जे होप ह्यूंग ये सब क्या हो रहा है। तो जे होप कहता है जल्दी से ये कपड़े पहनो और नीचे आ जाओ, बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जब ताहिन नीचे आता है तो देखता है सब उसका टेबल पर वेट कर रहे हैं, और वो नीचे सबको बो करता है और जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। और जेके कहने लगता है ताहिन आज से तुम्हारा प्रैक्टिस शुरू है और तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी और हम जैसा बनना होगा। तो ताहिन डरा हुआ तो होता है लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता, तो वो सिर हिलाकर हाँ कहता है और फिर जेके कहने लगता है ठीक है, से ही तुम जे होप और सुगा के साथ प्रैक्टिस करोगे और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद तुम स्ट्रांग बन जाओगे, तुम्हें स्ट्रांग बनना ही होगा। तो ताहिन हाँ कहता है और फिर 6 महीने तक ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। 6 महीने के बाद ताहिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया होता है कि अभी वो एक टाइम पे 10 आदमी को मार सकता है। टारगेट शूटिंग में भी ताहिन का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन एक आदमी ने गिड़गिड़ा कर ताहिन से कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन ताहिन को पता था कि वो आदमी कैसा है और उसने क्या क्या घिनौना काम किया है, इसीलिए एक भी सेकंड ना गंवाते हुए ताहिन ने उसे शूट कर दिया और फिर अपने रूम के अंदर चला आया। वो देखकर जेके बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ताहिन अब उनमें से एक बन चुका है। ताहिन भी कहीं ना कहीं उन सबको अपना फैमिली मान चुका था और उनके साथ बहुत खुश रहने लगा था, लेकिन अब भी वो खुद को इसी बात के लिए कोस रहा था कि वो उसे सबकी जान लेनी पड़ रही है। जब वो रूम में आ जाता है तो पहले वो रोता है और फिर कहने लगता है अम्मा अप्पा मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ये सब मेरे लाइफ में हो, मैं मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे ये सब करना ही पड़ता है, और मैं अभी तक बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो लोग भी ख़राब थे, उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया नहीं था, इसलिए ही मैंने उन्हें मारा। पर अम्मा जैसे कि आप बचपन में कहती थी किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहिए, तो यही बात सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता हूँ। और ये सब सोचते हुए ताहिन रो रो कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और जेके अंदर आ जाता है। अंदर आकर बस उसे देखता ही रहता है, तभी ताहिन अपना आँख खोल देता है और देखने लगता है कि जेके उसे देख रहा है। तो वो पूछने लगता है बॉस आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जोंगकुक पहले थोड़ा घबरा जाता है और हड़बड़ा जाता है और फिर कहने लगता है नहीं वो कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें ये कहने आया था कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, वो आदमी उसी काबिल था। फिर जब जोंगकुक जाने ही वाला होता है कि उसे नज़र आता है कि ताहिन अपने हाथ में चोट लगाए बैठे हुए है, तो जोंगकुक कहता है क्या तुम्हारे हाथों में वो चोट लग गया है। तो ताहिन देखता है और कहता है हाँ पता नहीं कब लग गया होगा। तो जोंगकुक कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्या करते हो तुम। ये कहकर जोंगकुक फर्स्ट एड लाने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो फर्स्ट एड लेकर लौटता है और कहने लगता है क्या तुम अभी भी बच्चे हो, तुम अब एक माफिया हो और स्ट्रांग बन चुके हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्या तुम्हारे लिए लोग रखना पड़ेगा, अब खुद का ख्याल खुद नहीं रख सकते। इतना सुनते ही ताहिन रो पड़ता है।
जोंगकुक समझ नहीं पाता कि ताहियुन इतना क्यों रो रहा है। तो जोंगकुक पूछने लगता है, तुम अब इतने थोड़े से बात पर क्यों रो रहे हो? तो ताहियुन कहता है, मुझे अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। जोंगकुक को समझ नहीं आता कि वो ताहियुन को क्या कहे, तो वो सिर्फ इतना कह देता है कि अब से तुम्हारा परिवार हम है। ताहियुन खुद को रोक नहीं पाता और जोंगकुक को किस कर देता है। जोंगकुक भी खुद को रोक नहीं पाता और ताहियुन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। ताहियुन बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा था क्योंकि उसका गम दूर होता जा रहा था जैसे ही जोंगकुक उसके पास आ रहा था। वो प्यार कर रहा था जोंगकुक को और जोंगकुक भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। दोनों अपने प्यार के धुन में इतने गुम हो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं था कि दरवाज़ा खुला है। और वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी जेहोप आ जाता है और वो सब देख देता है और कहने लगता है, सॉरी बॉस, सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर तब तक जोंगकुक इतना गर्म हो चुका था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया और ताहियुन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा, उसके बहुत ज़्यादा करीब जाने लगा और वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगे। उसके कुछ देर बाद ही जोंगकुक और ताहियुन दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों ही ड्रेस पहनकर नीचे आते हैं और जेहोप को जोंगकुक देखकर कहता है, तुम्हें पता ही होगा तुम्हें क्या करना है। तो जेहोप कहता है, मेरा मुंह पूरा का पूरा सिल चुका है बॉस, यह अब और किसी के सामने नहीं खुलेगा। फिर जोंगकुक कहता है, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और फिर कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं। और फिर जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और एक दिन सबको बता ही देता है कि ताहियुन से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर दोनों माफिया हस्बैंड शादी कर लेते हैं। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी? ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही स्टोरी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।